जैनुद्दीन जैनुद्दीन जी, आप कहाँ आए हुए हैं अभी दवा लेने? हॉस्पिटल में सर। करें आप हॉस्पिटल में आए हुए हैं या पानी भरा हुआ? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत तकलीफ हो रही है, पर बिल्कुल निकलने में बहुत गंदगी, परेशान है निकलने में, ज्यादा परेशान है निकलने में। किस तरह की दवा लेने आए हैं आप? किसकी दवा लेने आए हैं? अपनी ही लेने आया था। यहाँ पानी भरा हुआ है, आप निकल रहे हैं, यहाँ एक इलाज होता है, क्या यहाँ से बीमारियाँ लेने आए हैं कि इलाज कराने आए हैं आप? ये बीमारियाँ यहाँ सही नहीं होंगी, बीमार हो जाएगा जहाँ पर आदमी, इतनी गंदगी में निकल के बहुत तकलीफ हो रही है, पानी में निकल के कीचड़ गंदगी। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना जी, आप आपके पैर में फोड़ा है, आप दवा लेने आई हैं, दवा पानी में चल के आई हैं, क्या आपका फोड़ा ठीक होगा आपके और बढ़ेगा? बढ़ेगा, ठीक कहाँ से होगा जब गंदगी में से निकल रहे हैं तब। कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे? वाटर पानी है। क्या इसके बारे में किसी से कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे क्या कहना चाहती हैं? यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ की तकलीफ दूर करो। हम इस वक्त खड़े हुए हैं जिला अस्पताल में, जो मेडिकल कॉलेज अब परिवर्तित हो चुका है। यहाँ पर कुछ मिनट की ही बारिश ने ही यहाँ पर मरीजों को आने जाने में दिक्कत महसूस कर दी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना जल भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर बीमारियाँ दूर करने के लिए लोग अभी बीमारियों को दूर करने के यहाँ पर आते हैं, यहाँ बीमारी दूर की जाएंगी या बीमारी और बढ़ाई जाएंगी। फिर से कुलदीप शर्मा, साक्षी न्यूज़, फरीदाबाद।